दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी थी लोकार्ट की बर्फी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। बहुत ही कम चीज़ों पर आप आसानी से इसको बना सकते हैं। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन भी दबाएं मेरा हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो आइए चलते हैं हमारी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बीके फैमिली किचन। इस स्पेशल में जो आज मैं रेसिपी आप सबके लिए लाई हूँ, वो बहुत ही यूनिक और सिंपल रेसिपी है, जिसका नाम है लोकार्ट की बर्फी, जिसके लिए मैंने ये लोकार्ट ली है। इसको इस तरह आप छील लें। एकदम पकी हुई लोकार्ट आप लोग लेंगे तो उसका छिलका आसानी से उतर जाएगा। इसके बीज और ये अंदर का जो हिस्सा है वो भी निकाल लें। इसी तरह से मैंने सारे लोकार्ट को छील लिया है। तो चलिए हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। बाकी चीजें हम वीडियो के साथ में आपको बोलेंगे। स्टोव को हमने ऑन कर दिया, उस पर ये पैन रखा है, इसमें हम लोकार्ट डाल देते हैं। आप चाहे तो लोकार्ट को पीस भी सकते हैं और ये बहुत आसानी से पक जाते हैं, तो पीसने की जरूरत नहीं है। इसको हम ढककर 5 मिनट के लिए हल्की आंच पर रख देते हैं। लोकार्ट को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। इसने काफी सारा पानी भी छोड़ दिया है। ये बहुत जल्दी पक जाते हैं। लोकार्ट को हमने चम्मच की मदद से तोड़ दिया है। इसको पकाने के लिए पानी डालने की जरूरत नहीं होती है, इसमें बहुत सारा पानी होता है। यहाँ पे इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 कप चीनी। अगर आपके लोकार्ट मीठे हैं तो आप चीनी को कम कर सकते हैं, अगर मीठे नहीं है तो ज्यादा भी कर सकते हैं। इसको मिक्स कर देते हैं। अब ढक्कन रखकर इसको पकने देते हैं। पानी सूखने लगा है। इसका पानी सूखने तक हमें इसको पकाना है बिना ढक्कन के। लोकार्ट का पानी सूख गया है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1/2 कप दूध। इसका कलर भी बहुत खूबसूरत आता है। अगर आपके लोकार्ट का कलर अच्छा नहीं है तो आप इसमें ऑरेंज फूड कलर भी डाल सकते हैं, 2-3 चुटकी। को हम पकने देते हैं दूध को सूखने तक। लोकार्ट का सारा दूध कुछ हो गया है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच मैदा। इसको हम मिक्स कर देते हैं।
इसको आप लो फ्लेम पे बनाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे मैं एक चम्मच बटर डाल रही हूँ। आप इसमें देसी घी भी डाल सकते हैं या जो आप घर में कोई भी ऑयल या घी यूज करते हैं खाने में वो भी डाल सकते हैं। दोस्तों इस रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और मेरे सारे वीडियोस की लिंक तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। अब इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। ये बादाम है, इसको मैंने छोटा छोटा काट लिया है। आप इसको दरदरा पीस कर भी डाल सकते हैं। ये मैंने किशमिश लिया है, इसको भी काट लिया है। आप अपनी पसंद से कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं। एक दो मिनट के लिए इसको भून लेते हैं और फिर इसको निकाल लेते हैं। ये मैंने एक बर्तन लिया है, इसको मैंने ग्रीस कर लिया है। इसमें हम बर्फे को डाल देते हैं। कोई चम्मच ले उस पर थोड़ा सा ऑयल लगा ले तो ये उस पर नहीं चिपकेगी। इसको हम इसमें सेट कर देते हैं। इसको मैंने सेट कर दिया। इस पर हम कटे हुए बादाम डाल देते हैं। इसको हम 10-15 मिनट के लिए थोड़ा सा ठंडा होने रखते हैं, फिर इसमें कट लगाएंगे। बर्फी हमारी थोड़ी ठंडी हो चुकी है, इसमें हम कट लगा देते हैं। दोस्तों लोकाट जितना भी मीठा हो उसमें फिर भी खट्टापन रहता है। अगर आपका दूध बर्फी में पड़ जाए तो उससे आप परेशान ना। अब इसको हम फ्रीजर में 1-2 घंटे के लिए रख देते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की बहुत ही सिंपल सी लोकार्ट की बर्फी। आप ईद पर इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों फैमिली के साथ शेयर करें, बेल बटन भी दबाएं मेरा हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।